अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। सीएनसी लेथ की मैनुअल और सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदी। और आज का लेक्चर हमारा पहला लेक्चर है और इस कोर्स के अंदर आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप सीएनसी लेथ की मैनुअल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और किस तरीके से आप सीएनसी लेथ की सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग के अंदर जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे वो क्रियो पैरामेट्रिक यूज़ करेंगे। और मैनुअल प्रोग्रामिंग क्यों रेकमेंड की जाती है सीएनसी लेथ के लिए, ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि जो हमारा सीएनसी प्रोग्राम होता है या जो न्यूमेरिकल फाइल होती है वो बेसिकली चाहे वो सीएनसी लेथ की हो या मिलिंग की हो, अगर उसको गौर करें तो उसमें मेजर जो पोर्शन है वो बेसिकली पोजिशनल वैल्यूज़ का है। ठीक है, यानी टूल की पोजिशनल वैल्यूज एक जगह से दूसरी जगह जब टूल ट्रेवल करके जा रहा है, चाहे सीएनसी ले तो या सीएनसी मिलिंग हो, तो उसकी पोजिशनल वैल्यूज डिफाइन हुई हुई होती है। सीएनसी मिलिंग के अंदर जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में होता है अगर थ्री एक्सिस मशीन है, और सीएनसी लेथ के अंदर जो है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, जिसमें जेड एक्सिस जो है वो फेस को रिप्रेजेंट करता है शाफ्ट की और एक्स एक्सिस जो है वो आपके डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो प्रोग्राम होता है सीएनसी लेथ का प्रोग्राम या मिलिंग का प्रोग्राम, खैर इसमें हम जो ज़्यादा फोकस क्या करेंगे बल्कि टोटली जो हमारा फोकस है वो बेसिकली सीएनसी लेथ के ऊपर है। तो सीएनसी का जो प्रोग्राम होगा उसमें एक पोर्शन होगा हेडर का, जैसे ये आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं, ये एक सीएनसी लेथ का प्रोग्राम है इस शाफ्ट का, ठीक है, जो कि स्टेप शाफ्ट है। और इसके अंदर जो अगर आप देखें तो एक पोर्शन होता है जो कि हेडर का होता है, उस हेडर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से यहाँ पर एक फुटर होता है, फुटर के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है, और सेंटर के अंदर जो है वो तमाम के तमाम पोजिशनल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो टूल की पोजिशंस डिफाइन करती हैं कि टूल ने अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है। ठीक है, तो लेथ में हमारे पास दो ही एक्सेस होंगे, लेकिन लेथ की मैनुअल प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट की पोजिशनल वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको पॉइंट की पोजिशनल वैल्यूज निकालनी आ गई तो आप मौजूदा ड्राइंग में से पोजिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और मैनुअल प्रोग्राम बना सकते हैं। और यही सारा काम जो है वो अगर हम सॉफ्टवेयर पे करेंगे तो फिर हमें पॉइंट्स की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अलबत्त अगर हम सॉफ्टवेयर से बने हुए प्रोग्राम को एडिट करना चाहेंगे तो हमें वो पोजिशनल वैल्यूज़ को समझना आना चाहिए, प्रोग्राम के अंदर जो कोडिंग यूज़ हुई है उसे हम उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि हम सॉफ्टवेयर से बने हुए प्रोग्राम को भी अगर ऑपरेटर जो है वो एडिट करना चाहे तो ईजीली कर सके। ठीक है, तो टाइम ज़ाय किए बगैर चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ये बेसिकली ग्राफ पेपर मैंने बनाया हुआ है एक्सेल के ऊपर। ठीक है, आप लोग नॉर्मली ग्राफ के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ग्राफ से जो लोग वाकिफ़ हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि ग्राफ में हम लोग दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और सेंटर जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको बेसिकली हम लोग ओरिजिन कंसिडर करते हैं, जहाँ पर हमारी एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो होती है, यहाँ पर ये मैंशन है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो है वो इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन के बाद चार पोर्शन बन जाते हैं जिसको हम क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। टॉप राइट पर जो है इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, टॉप लेफ्ट जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसी तरीके से बॉटम लेफ्ट जो है वो हमारा थर्ड और बॉटम राइट जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, ओरिजिन से राइट हैंड पे जाएंगे तो यानी इस लाइन को अगर आप देखें तो इस लाइन से राइट हैंड साइड पे तमाम पॉइंट्स की वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव होगी, और इस लाइन से जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सिस की तमाम वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होंगी। इसी तरीके से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे अपवर्ड
जो है वो डायरेक्शन में जितनी भी वाई की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और इस लाइन से बॉटम जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे ग्राफ में जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। जब हम इसके बाद वाली प्रैक्टिस करेंगे, एक ड्राइंग लेंगे और उसमें कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे एक्स की जगह जेड एक्सिस आ जाएगा और वाई की जगह जो है वो एक्स एक्सिस आ जाएगा, जो कि लेथ के लिए लेथ को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसके बाद अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने पॉइंट्स पहले से ही निकाले हुए हैं, लेकिन मैं इसको वीडियो में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब दो सिस्टम है, एक है एब्सोल्यूट, एक है रिलेटिव या इंक्रीमेंटल। इन दोनों को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों अगर समझ में आ गए तो आपको ड्राइंग से, अगर मैन्युअली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं लेथ की, तो पॉइंट्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों ही सीएनसी लेथ की प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं, इसको मैं बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज जो है वो ऑर्डर कर रहा हूँ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे पॉइंट्स हैं। अब इनकी हम पोजिशनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तमाम वैल्यू जो है वो ओरिजिन से कैलकुलेट होंगी। ठीक है, यानी यहाँ से ही इसका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकाला जाएगा और यहाँ से ही इसका वाई एक्सिस का डिस्टेंस निकाला जाएगा। ठीक है, और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होगा, जब हम किसी भी पॉइंट की, किसी भी पोजीशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हर पॉइंट की वैल्यू उसके प्रीवियस पॉइंट से कैलकुलेट होगी। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो रहा है आप लोगों को, जब भी हम पॉइंट्स को वेरीफाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को फोकस करते हैं, तो पहले पॉइंट की, ये जो मेरा पॉइंट है, इसकी हम पोजिशनल वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इसमें हमने एक बॉक्स को, ये एक बॉक्स को हमने कंसिडर किया हुआ है 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम यहां से चलते हैं जनाब, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हम आ गए हैं 7, तो यहाँ पर हमारे पास 7 वैल्यू लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से अब हम इसकी वाई एक्सिस की पोजीशन देखते हैं, तो वो बनती है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव 3 आ गया। इसी तरीके से अब सेकंड पॉइंट को अगर हम देखते हैं, तो ये एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस की इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि ना ये राइट हैंड साइड पर है ना ये लेफ्ट हैंड साइड पर, ये लाइन ऑफ एक्सिस पर है। ठीक है, तो एक्स हमारा हो गया 0 और वाई जो है वो हम देख लेते हैं जरा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है, ये जो 5 आ रहा है ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पॉइंट पर आते हैं, यहाँ से ओरिजिन से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू जो है हमारी 0 है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो 10 जो है वो हमारी वाई की वैल्यू आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है 10 आ रही है थर्ड पॉइंट की। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो बेसिकली माइनस वाली डायरेक्शन में एक्सिस के, तो इसको, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो -9 एक्स का आ गया और वाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई है वाई की। अच्छा, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स जो है वो माइनस, जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ माइनस की साइन लगाएंगे, और वाई जो है वो प्लस में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों जो है वो माइनस, दोनों वैल्यूज माइनस में होंगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होगा और वाई माइनस में होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनाब ये हमारा यहाँ पर एक्स 9 था, तो 11 10 11 12। ठीक है, तो हमारा एक्स आ गया जनाब 12, माइनस ये साइन आ गई हमारे पास, और वाई में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट की एक्स एक्सिस की पोजीशन जो है वो -12 है, वो कहाँ से आई है जनाब, यहाँ से आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और वाई एक्सिस की 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जनाब -12 एक्स एक्सिस के लिए और -4 वाई एक्सिस के लिए। इसी तरीके से हमारे पास अब ये वाला नेक्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस 9 आ गया है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर माइनस 10 आ गया। इसी तरीके से ये जो है वो इस वाले पॉइंट की अगर हम वैल्यू देखें तो एक्स एक्सिस में 0 है, ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस में जो है वो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये माइनस 10 आ गई। अब इस सेकंड लास्ट पॉइंट की वैल्यू देख लेते हैं एब्सोल्यूट में, तो ये जनाब एक्स में 0 आ रही है और वाई में -5 आ रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा एक्स में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइन 7, और वाई में 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये आ गया -5। तो इस तरीके से इन तमाम 10 पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिलेटिव की तरफ। ये रिलेटिव मैं आपको समझा दूं तो बहुत आसानी हो जाएगी, और ये दोनों मेथड ही जो है वो पोजिशनल वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे हम, ये लेथ की प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। रिलेटिव में क्या होता है, पहले पॉइंट की अगर हम पोजीशन देखें तो वो ओरिजिन से ही कैलकुलेट होगी, और जब भी हम सीएनसी लेथ का प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारे जो पार्ट की ड्राइंग होगी उसमें हम किसी एक पोजीशन के ऊपर अपना ओरिजिन सेट करेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा जब ड्राइंग पर हम काम करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है वो जनाब यहीं से कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट थे यानी 7 और 3, ये एग्जैक्टली यही आ जाएंगे, ठीक है। कैसे आए हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 एक्स एक्सिस में और वाई में 1 2 3, ठीक है। अब हम जनाब इस नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहे हैं, तो इस पॉइंट के लिए रिलेटिव में अगर हम कैलकुलेट करें तो इस पॉइंट के लिए ये ओरिजिन बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से उठा के इधर रख देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से चेक करें तो मैं दो लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा पहला पॉइंट था ये दूसरे पॉइंट के लिए ओरिजिन बन चुका है, और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे ये वाली डायरेक्शन जो है वो एक्स पॉजिटिव की है, ये एक्स नेगेटिव की है, ये वाई पॉजिटिव है और ये वाई नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम अगर हम चलते हैं और दूसरे पॉइंट को की रिलेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास -7 आ गया क्योंकि ये माइनस वाली डायरेक्शन में, और यहाँ से 1 और 2, तो ये जो है वो हमारे पास वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, पॉजिटिव में। इसी तरीके से जब हम इस पॉइंट पर आ गए हैं, यहाँ से हमें जो है वो ये थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो ओरिजिन को उठा के जनाब अब हम लेट सपोज यहाँ रख देता हूँ मैं, ठीक है। आपने ग्राफ के ऊपर जस्ट प्रीवियस पॉइंट से कैलकुलेट करना है, सिर्फ मैं इसकी पोजीशन जो चेंज कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने इस पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक्स हमारे पास 0 हो जाएगा और वाई जो है हमारे पास यहाँ से, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये आ गया जनाब 5। इसी तरीके से इस पॉइंट पे आ गए हैं हम, तो ओरिजिन यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और ये लाइन में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक्स में जनाब हमारे पास आ गया -9, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस -9 आ गया, और वाई में क्योंकि 0 आया है वो इसलिए आया है क्योंकि लाइन ऑफ एक्सिस पर है। इसी तरीके से इस ओरिजिन को उठा के अब मैं रख देता हूँ यहाँ पर, और ये वाली लाइन में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। तो इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक्स में जनाब इसकी वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 1 2 3, और 1 2 3 4 5 6 6 जो आ रही है वो आपकी
वाई एक्सिस में आ रही है और -3 जो है वो आपकी एक्स एक्सिस में आ रही है। इसी तरीके से अब हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे। ठीक है, और इस पॉइंट पर हमने जाना है, यहाँ पर ये पॉइंट हाइड हो गया थोड़ा सा, तो इस पॉइंट पे जाना है। तो एक्स एक्सिस में ये 0 होगा और वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये जनाब एक्स एक्सिस 0 हो गया और वाई जो है वो -8। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 आ गया एक्स एक्सिस में और वाई में 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, तो ये आ गया -6। अच्छा, जो जो लोग ऑलरेडी जो है वो डिजाइन से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं या उनका फील्ड वर्क जो है वो ड्राफ्टिंग या डिजाइन से रिलेटेड है, तो उन्हें ये बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। ये इतनी डिटेल में समझाने का मकसद ये है, जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल उनके लिए समझना एक दफा आसान हो जाए, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट ड्राइंग के ऊपर काम करेंगे। अब इस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट पर हमने जाना है, इस पॉइंट के ऊपर जाना है। तो एक्स एक्सिस में ये जनाब हो गया वाई एक्सिस में ये हो गया 0 और एक्स एक्सिस में हो गया 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम इस पोजीशन पर आ चुके हैं और यहाँ से हमने इस पॉइंट को कैलकुलेट करना है। तो एक्स हो गया हमारा 0 क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्सिस के ऊपर है, ना राइट साइड पर है ना लेफ्ट साइड पर है, और वाई एक्सिस में ये 1 2 3 4 5, तो ये पॉजिटिव साइन हो गई। और लास्ट में जनाब हमारा जो पॉइंट है ओरिजिन यहाँ आ गया, इस पॉइंट के लिए प्रीवियस पॉइंट ओरिजिन बन गया। तो यहाँ से जनाब ये पॉइंट जो है छुप गया इसके पीछे। ठीक है, तो वाई एक्सिस में ये 0 है और एक्स एक्सिस में इसका डिस्टेंस बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और हम ये जो हमारे पास एक स्टेप शाफ्ट नजर आ रही है जिसकी में जो स्टेप्स का साइज है वो 25 25 25 है और डायमीटर जो है वो स्टार्टिंग का 20 25 और 30। इसका ये जो मैनुअल प्रोग्राम बना हुआ है ये मैं आपको बनाना बताऊंगा। इसके अंदर हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं, कौन से कोड हैं, किस लिए यूज किए हैं, फूटर के अंदर जो कोड्स यूज हुए हैं वो किस लिए यूज किए हैं, और यहाँ पर जो ये पोजिशनल वैल्यू है ये कैसे कैलकुलेट किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, कनेक्ट रहिए मेरे साथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।